नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट का जिसको चेस्ट का कमांडर बोला जाता है। चेस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कमांडमेंट पॉइंट है ये। इस कमांडर पॉइंट का नाम टेक्निकली PC6 बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, सो दैट आप इमीडिएटली बहुत सारी कंडीशंस में आप इमीडिएटली रिलीफ मिल सकता है आपको। इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो ये है कि आप अपना हाथ उठाइए, आपकी जो रिस्ट जहां से स्टार्ट होती है, जो आपकी रिस्ट का पॉइंट है, जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, वहां से आप तीन उंगली नीचे आइए, तीन फिंगर लीजिए पूरे कंप्लीट, और तीन फिंगर के नीचे मिड में आइएगा, मिड ऑफ द आर्म जॉइंट, रिस्ट जॉइंट से तीन फिंगर नीचे आर्म के बीचों बीच ये पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं उस पर पॉइंट लगा के दिखाता हूं, एक मार्कर दीजिए। ये पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को दो दो मिनट भी प्रेस करते हैं तो ये चेस्ट का, हार्ट का कमांडर पॉइंट है। और चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से हार्ट को, चेस्ट को और स्टमक को ये कंट्रोल करता है। किन किन इंडिकेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसको सिंपली आपको ये पकड़ना है और इसको ऐसे प्रेस करना है, मॉडरेट, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, हल्का सा आपको पिंच फील होना चाहिए और आप इसको दो दो मिनट प्रेस करते रहिए। अब हम बात करेंगे कि ये किन किन कंडीशन में हम कर सकते हैं। जब हमने बात की तो चेस्ट की, जब हमने बात की है, चेस्ट पॉइंट है, तो किसी भी तरह का चेस्ट पेन या चेस्ट कंजेशन है, कोई घबराहट है, उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके नेक में भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक में अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत इरिटेबिलिटी आपको फील हो रही है तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत एंजाइटी है, किसी बात पे बहुत चिंता है, तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लेडीज में अगर पेनफुल पीरियड्स हैं तो हम PC6 पॉइंट को यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक इश्यू है तो आप रेगुलर इस पॉइंट को यूज कीजिए, आई कैन एश्योर यू आपको 100% फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको नोजिया या वॉमिटिंग की सेंसेशन आई है, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल सिकनेस है, या कहीं खाना खाने के बाद आपको फील हो रहा है, या कुछ स्मेल करने से आपको नोजिया आ रहा है, तो आप इमीडिएटली नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए इस वाले पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है इसको बेल्चिंग, एसिड रिफ्लेक्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपको खट्टी डकार आ रही है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, इवन स्टमक में पेन हो रहा है, तब भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये एक सर्कुलेशन का, ये एक चेस्ट का कमांडर पॉइंट है, एंड आई होप आप इस पॉइंट को यूज करके काफी हद तक इन सब समस्याओं से निदान पाएंगे। धन्यवाद।